पुरातत्व विभाग द्वारा फतेहाबाद के कुनाल गांव में फिर से खुदाई का काम शुरू किया गया है। इस बार शुरू हुई खुदाई में विभाग की टीम को राख से भरी एक मटकी मिली और करीब 6 फुट नीचे पशु का विशाल कंकाल भी मिला। इस टीम ने जांच के लिए दिल्ली मुख्यालय भेजा है। प्री हड़प्पा कालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, जिससे साबित हो जाता है कि यहां हजारों वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता रहती थी और यहीं से सरस्वती नदी की धारा बहती थी। वहीं टीम को पहली बार साबुत बर्तन मिला है, जिससे विभाग की टीम उत्साहित है। खुदाई का काम पुरातत्व विभाग हरियाणा की उपनिदेशक डॉक्टर बुनानी भट्टाचार्य की देखरेख में चल रहा है। ये इस बार खुदाई का तीसरा सेशन है। पिछले 2 साल से यहाँ पे खुदाई हो रही है हर एक सेशन में, और हम लोग इस बार यहाँ पे निकाल रहे हैं प्री हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है, मोस्टली उसको हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले भी पिट्स यहाँ हैं और बहुत सारी, और उससे जो राख भरी मटकी मिली है, ये सारे उसी फेज के मोस्टली बिलोंग करते हैं। और लेकिन अभी तक कोई एब्सोल्यूट डेटिंग नहीं हो पाई है। डेटिंग इसके एक्सकेवेशन के बाद का पोस्ट वर्क है, तो उसके बाद कंफर्म डेट मिलेगी। लेकिन हम लोग सेफ साइड लेके ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, एटलीस्ट 4000 साल पुराना तो है ही, ये कंफर्म है। वहीं मटकी के बारे में बताते हुए कहा कि मटकी पर अच्छी नक्काशी और रंग से डिजाइन भरे हुए हैं। ये मटकी मिट्टी की है। जिस जगह पर मटकी मिली है उसके चारों तरफ पिट था, जिसमें मटकी रखी हुई थी। मटकी के बारे में हम लोग बिना डेटिंग के इसके आसपास की जो राख मिली है या जो चारकोल सैंपल है, उनके बिना डेटिंग के कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये पिट से मिली हुई है। अगर ये पिट से नहीं, हम लोग को स्ट्रेटिफाइड सेक्शन में मिला रहता या फिर नीचे डिपॉजिट में मिली रहती, तो इसके बारे में हम लोग कुछ कह सकते थे कि हाँ, ये इतनी पुरानी है। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।